अम्मावरी विद्याधर नगर स्थित सुरंग खुद कर बैंक डकैती का प्रयास करने वाले मुख्य सूत्रधार 50,000 रुपए का इनामी दो आरोपियों को एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावती मुंबई से दस्तयाब कर फरारी के दौरान आश्रय देने वाले सहयोगी को भी किया गिरफ्तार। घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए पुलिस द्वारा मात्र 10 दिन में किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदा है शातिर किस्म के अपराधी। बदमाशों ने फर्जी दस्तावेज से बनाया आधार कार्ड। तारीख को 23 जनवरी को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी के धसने से मिट्टी में हमें सुरंग मिली और उस समय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसपास के एरिया को कॉर्डन करते हुए ये पता लगाया कि किस तरह सुरंग किस दुकान में जा रही है और किस तरह के लोग उस दुकान में आते थे, उनका क्या हुलिया था। और तब हमारे पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से एक व्यक्ति को पकड़ा, जिस कारण से काफ़ी अच्छी लीड मिली हमको। तो सुरंग के तब से खोज रहे थे इनका, कहाँ ये कहाँ रहते थे। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर रेंट एग्रीमेंट दुकान का लिया था और किस तरह से ये रहते भी अलग जगह थे, वहाँ अलग अलग नामों का प्रयोग करके इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए काफ़ी तकनीकी सहायता लेते हुए कॉल के सीपीआर का एनालिसिस करके हमारी पुलिस टीम ने 10 दिन के अंदर जो दो मेन आरोपी थे, जो इस षड्यंत्र का मेन सूत्र था, उसको पकड़ा, उसके मेन सहयोगी को पकड़ा। साथ में 10 दिन इनका पीछा किया। इस 10 दिनों में ये गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, जगह जगह टीम इनके पीछे पीछे लगी रही और फिर इनको धारावी से पकड़कर हम इन्हें लाए और इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी था इन दोनों के ऊपर। तो टीम ने बहुत मेहनत करके उच्च अधिकारियों के डायरेक्शन में इनको पकड़ा है और इनका जो सहयोगी था, जो इनको फरारी में इनकी मदद कर रहा था, उसको भी पकड़ लिया है। और आगे से आगे जैसे लीड मिलती जाएगी तो अब इनका एक मुख्य अन्य आरोपी बचा है, उसको भी जल्दी पकड़ेंगे। अब तक कितने आरोपी इसमें पकड़े गए? देखिए, पूर्व में एक आरोपी पकड़ा गया था और अब 3 आरोपी और आए। और भी प्लस हो सकते हैं? अभी जो देखिए, अभी इनका प्रॉपर इनको रिमांड में लेके इनका इंट्रोगेशन किया जाएगा और फिर इंट्रोगेशन से हम आगे, अभी तक हमारे पास एक अन्य व्यक्ति का नाम तो है जो इनके साथ था, और भी अगर इनके कोई सहयोगी हैं तो उनका भी नाम। जो ये सहयोगी है तो इनको क्या पैसे का लालच दिया क्या? हाँ, जो इनका ये जो रिजवान जो है व्यक्ति, जो जिसका ये आइडिया था, उसके ऊपर काफ़ी कर्जा था, ब्याज था, और उसने जल्द किस तरह से मैं क्राइम के जरिए कुछ दिनों में अमीर बनूं और इस तरह का उसका कोई प्लान था, जैसे उसने षड्यंत्र रचा, तो इसने इनको पैसे का प्रलोभन देके ही ये टीम तैयार की थी और काफ़ी पैसों का इनको प्रलोभन दिया गया था कि अगर इनका ये प्लान सक्सेसफुल होता तो इसमें बैंक रॉबरी तो होती, दो बैंक थे, जैसे एक गोल्ड का गोल्ड शोरूम था, तो काफ़ी इनके काफ़ी पैसों का प्रलोभन देके ये टीम तैयार की गई थी। रिजवान जो देखिए, इसमें कोई लीगल कार्रवाई नहीं बनती है इस तरह से, क्योंकि इनको धोखे में रख के इन्होंने इकरारनामा और ये तैयार किया। लेकिन हाँ, इससे जरूर मैं जनता को ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास, हम बार बार ये जागरूकता भी करते हैं कि आप किसी भी किराएदार को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराया ना दें, और इस बात पे आप आगे भी ध्यान रखना चाहिए भविष्य में भी। तो ये एक लेसन भी है सबके लिए। मैंने एक केवाईसी खोल रखा था क्योंकि ये लोन देने का काम इस तरह का, इसने एक फ्रंट खोल रखा था अपनी दुकान इस बहाने से ली थी कि मैं लोन देने का काम करता हूँ, और मुझे लगता है इसने ये भी मोडस ऑपरेंडी इसीलिए अपनाई होगी ताकि ये बैंकों में जा सके, वहाँ का देख सके कि सिक्योरिटी क्या है, क्या टाइम ओपनिंग है, तो कोई इसको रोके ना। अगर ये बैंक में रोज भी जाए तो केस भी बहाना कर सकता है कि मैं तो लोन एप्लीकेशन और ये सब का काम करता हूँ। राजस्थान में कौन था इनका? जब अनुसंधान का विषय है कि ये क्या पहले कितने दिन पहले आए थे, इन्होंने रेखी जालपुरा के घर में जो इन्होंने निवास दिया था वहीं से की थी या किसी और के यहाँ रुक कर की थी, किसी और की सहायता ली थी, ये सब अनुसंधान का विषय है। जो मिल पाया है वो सब 420 चीटिंग इसी तरह के मुकदमे हैं, इसमें इस तरह की मॉडल ऑपरेंटी के मुकदमे नहीं है। वो
काफी सारी सिम्स इन्होंने अलग अलग नामों से ली है, फर्जी सिम ली है या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका दे दिया, मेरा दे दिया, किसी रिलेटिव का दे दिया, किसी दोस्त का दे दिया, इस तरह से लिया है। तो ये सब अनुसंधान का विषय है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स सिम लेने के लिए दिए हैं वो किस किस के हैं, किस बहाने से दिए गए और क्या वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे या प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन से पता चलेगा कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। जो भी सिम दे रहे हैं, जो दुकानें दे रही हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सिम देने से पहले एक तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और देना पड़ता है, उसकी वेरिफिकेशन ठीक से करें और दूसरा एक ही एक डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत सारी सिमें मत जारी करें, एक साथ भी बहुत सारी सिमें ना जारी करें एक व्यक्ति। गलती हम करेंगे पर पहले हम देखेंगे कि उनकी क्या संलिप्तता थी, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। इनका जो फरारी में जो सहयोग कर रहा था, जो इनके साथ साथ था, उनको तो उसको तो हम अरेस्ट कर तो नहीं आए, उसको तो हम ले ही लिया, जो मेन आदमी था जो उनको सहयोग कर रहा था।